तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज थोड़ी बियर्ड बड़ी हुई लग रही है, काफ़ी ग्रूमिंग करेंगे और फेस थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि सुबह से बाइक चला रहा था धूप में, तो उसकी वजह से पूरा दिन धूप में धूल मिट्टी वगैरह की वजह से ये ऐसा हो गया है। घर जाके थोड़ा बियर्ड सेट करके फेस वॉश अच्छे से करके फिर निकलूँगा मैं आज दिल्ली। तो इसी के लिए मैंने आज वापस स्टार्ट किया इतने दिनों बाद। काफ़ी दिन हो गए लास्ट व्लॉग अपलोड किए हुए, उसके बाद में आज ही वापस स्टार्ट किया है। तो आज चलते हैं दिल्ली और किस काम के लिए जा रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊँगा। मेरी रात को 11:30 बजे ट्रेन है यहाँ से गरीब रथ, सुबह 10 बजे दिल्ली छोड़ेगी वो मुझे। तो बस आगे उसमें चलते हैं और अभी मैं चला रहा हूँ i20 पेट्रोल। चलने में स्मूथ है पर भाई साहब एवरेज के मामले में तो भूल ही जाओ, 11 का एवरेज देती है ये। बस दिखाता हूँ कैसी है, इंटीरियर दिखाता हूँ मैं इस कार को। देखो तो कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर, मतलब हुंडई का ना एक चीज का है कि इसका फील अच्छा है गाड़ी का और क्वालिटी वाइज भी मजा आता है। अभी एक सेकंड सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। इसका ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा डिस्प्ले है, पर कंसोल का जो इसका सेटिंग है ना, मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है और प्रीमियम। ये टॉप मॉडल है, पुश बटन स्टार्ट। इसका माइलेज जैसे ये अभी 12 का दिखा रही है अभी जब से मैं इसको चला रहा हूँ, नॉर्मल में भी चलाओ तो भी, बाकी हाईवे पर ये दे देती है अपने को 16-17 का ठीक दे देती है। बाकी चलने में बहुत स्मूथ है यार, ये बहुत स्मूथ गाड़ी है, मज़ा आता है पेट्रोल में हुंडई चलाने का, पर यार बहुत पेट्रोल खाती है, इतना बार बार टैंक फुल कराने के लिए बैठे रहो फिर इसमें। और मेरी स्विफ्ट जाने के बाद अब ट्राई करते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है, उसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ वो भी आगे ही बात करेंगे, और काफ़ी अगर समझने वाले हैं तो समझ भी जाएंगे। चलो आगे मिलते हैं फिर जी। तो निकल गए दिल्ली के लिए, अभी ट्रेन है 10:30 बजे की, 10:15 की, और सुबह उतारेगी 10 बजे। ये है बड़ौदा रेलवे स्टेशन, बड़ौदा जंक्शन, पूरा पार्किंग एरिया है, भीड़ तो अच्छी खासी है। अपने को जाना एक बार चेक करना पड़ेगा बोर्ड पर कौन से प्लेटफॉर्म पर है अपनी ट्रेन। निज़ामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस 12909 प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो चलते हैं फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। तो ये है गरीब रथ, हालत देखो इसकी, गरीब रथ नाम है ना, है गरीबों की सही में। ट्रेन की हालत देखो, है पूरी एसी ट्रेन, उसकी हालत देखो एक बार। चलो भाई अपनी ट्रेन तो निकल पड़ी। बड़ौदा का प्लेटफॉर्म, ये देखो आर्मी व्हीकल्स, दिल्ली का टाइम है निज़ामुद्दीन पर। बस अब टाइम पास करना है, 1 घंटा बैठे बैठे, तो अभी गेट पर खड़ा हूँ टाइम पास कर रहा हूँ। इधर सही सा दिख जाए तो बाहर कुछ अच्छा नज़ारा, धूप अच्छी खासी है इधर, बाकी देखते हैं और क्या है इधर। नींद तो बढ़िया आई, भीड़ बहुत थी यार, मतलब ऐसे कोई लोकल वाली भीड़ नहीं, मतलब सब सीटों सीट कंप्लीट था उस हिसाब से। चलो फाइनली दिल्ली उतर गया मैं,
ट्रेन वैसे निजामुद्दीन छोड़ने वाली थी, पर ये ना बीच में तुगलकाबाद रुक गई। तुगलकाबाद ये पूरा यार्ड है और मेरे घर के बिल्कुल नियर बाई है, कुछ 4 किलोमीटर होगा, और वहाँ से मुझे 14 किलोमीटर पड़ता। मैं तो जैसे ही सिग्नल हुआ ट्रेन धीरे हुई, मैं तो उतर गया। और ये है तुगलकाबाद यार्ड, दिखाता हूँ। देखो ये पूरा यार्ड है, ट्रेन यार्ड है ये, यहाँ सारी ट्रेन सी ट्रेन से ऐसे खड़ी रहती है। पूरा इंजन यार्ड, यहाँ सब इंजन वगैरह की रिपेयरिंग सर्विसेज वो सब होती है। ये जूम कर रही है, ये सब इंजन करेगा और ये सर्विसिंग के लिए जो बाकी है वो ये इनके पार्ट्स इधर। ये देखो ये सब इंजन के पार्ट्स वगैरह सब ब्रेक पैड्स, और उधर कितने सारे इंजन खड़े हैं, कुछ तो स्क्रैप है। एक ये देखो, एक इंजन पेंट होने के लिए आया हुआ है, ये देखो ये पेंटिंग बूथ में खड़ा है। ऐसे चलना पड़ता है काफी दूर तक, समझ लो 1 किलोमीटर पैदल। सीवी फ्लाईओवर टाइप ही है इसका।